सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राखी स्पेशल पोहे के नमकीन की रेसिपी। बहुत ही कम समय में बन जाने वाला ये नमकीन चूड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों, और बहुत ही आसानी से बन जाता है। सो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो पोहा नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले सभी इंग्रेडिएंट्स हम तैयार कर लेते हैं जो कि हम नमकीन में डालने वाले हैं। उसके लिए एक कढ़ाई को हमने गैस पर चढ़ा दिया है जिसमें हम फ्राई करेंगे मक्के की पपड़ी जो कि मैंने रेडीमेड मार्केट से परचेस की हुई है। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं और इनके बिना भी नमकीन बना सकते हैं। हालांकि इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है अगर आप नमकीन में डालते हैं तो। बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगी अगर आप इन्हें परचेस करेंगे तो। जितनी क्वांटिटी में आप इन्हें नमकीन में डालना चाहते हैं उतनी आप फ्राई कर लीजिए। सो यहाँ पर करीब 2 कप मक्के की पपड़ी को मैंने नमकीन में डालने के लिए फ्राई कर लिया है। इसके साथ ही हम यहाँ पर इसी तेल में मूंगफली के दाने फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर करीब 1 कप मूंगफली के दाने हैं जिन्हें मैं कढ़ाई में डाल के करीब 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा देर तक आपको मूंगफली के दाने फ्राई नहीं करना है, करीब 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करना है। जैसे ही इनमें चट चट की आवाज़ आने लगती है आप इन्हें कढ़ाई में से निकाल लीजिए। तो यहाँ पर करीब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मूंगफली के दाने हमने तेल में अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, तो इन्हें आप निकाल कर साइड में रख दीजिए। सो नमकीन बनाने के लिए एक बड़ी कढ़ाई को हमने गैस पर चढ़ा दिया है जिसमें हम पोहे को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर सेके हुए पोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हमें पोहे को बहुत ज़्यादा देर तक सेंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिका हुआ पोहा आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप ये बोल के ख़रीद सकते हैं कि आपको सिका हुआ पोहा चाहिए। आप चाहें तो नॉर्मल पेपर पोहे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं नमकीन बनाने के लिए, जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर करीब 2 से 3 मिनट के लिए ही सिर्फ हमें हल्का सा पोहे को गर्म करना है, बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसे नहीं सेंकना है। तो करीब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, पोहे को हमने अच्छे से सेंक लिया है। इसे आप कढ़ाई में से निकाल दीजिए और साइड में रख दीजिए। पोहे को हमने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है और नमकीन में तड़का लगाने के लिए वापस से उसी कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है जिसमें हम डाल रहे हैं 4 से 5 चम्मच तेल। बहुत ज़्यादा तेल आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है, केवल 4 से 5 चम्मच तेल हमने डाला है। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाता है 2 चम्मच राई मैं इसमें डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच हींग का पाउडर डाल रही हूँ। इसके साथ ही बारीक कटी हुई 4 से 5 हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। इसके साथ ही यहाँ पर 10 से 15 करी पत्ते मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर करीब 1 से 2 मिनट के लिए करी पत्ता और हरी मिर्च को आपको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हरी मिर्च और करी पत्ता को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हल्दी। तो यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी मैं ऐड कर रही हूँ। हल्दी डालने के बाद अच्छे से मिला लेना है। 4 से 5 सेकेंड बाद आप इसमें ऐड कर दीजिए पोहा जो कि हमने सेक कर रखा हुआ है। पोहे के साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी मक्के की पपड़ी जो कि हमने फ्राई करके रखी हुई थी। इसके साथ ही मूंगफली के दाने भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले आप नमकीन को बहुत अच्छे से मिला लीजिए करीब 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे। सो नमकीन को हमने करीब 1 से 2 मिनट के लिए बहुत अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक। तो नमक डाल दीजिए इसमें स्वाद अनुसार। 2 चम्मच नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही 2 चम्मच पिसी हुई चीनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको मीठा टेस्ट पसंद है तो आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं है पसंद तो आप चीनी को स्किप कर दीजिए। इसके साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ। क्योंकि हम हरी मिर्च इसमें पहले ही ऐड कर चुके हैं इसलिए मैंने लाल मिर्च बहुत थोड़ी सी डाली है। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं लाल मिर्च। तो नमक, चीनी और लाल मिर्च डालने के बाद नमकीन को बहुत अच्छे से मिला लीजिए। और मिलाने के बाद यहाँ पर नमकीन हमारा ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है, एकदम सर्व करने के लिए तैयार है। आप इस स्टेज पर नमकीन को टेस्ट भी करके देख सकते हैं। अगर आपको मसालों में कुछ कमी लग रही है तो मसाले आप इसमें ऐड कर दीजिए और नमकीन को बहुत अच्छे से मिलाकर सर्व कर दीजिए। यहाँ पर नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैंने नमक इसमें और ऐड कर दिया है। नमकीन को बहुत अच्छे से मिला दीजिए और यहाँ पर हमारा जो पोहे का नमकीन है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे राखी पर नाश्ते में सर्व कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए।
तो जल्द ही हाजिर होते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।